ज्योतिराव सिंधिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बदरंग चेहरा है। आप पूछेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जो विश्लेषण हो रहा है उसको दिमाग से हटा दीजिए। विश्लेषण क्या हो रहा है कि ज्योतिराव सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ा, कांग्रेस के अंदर दरार पड़ गई, कांग्रेस में कमलनाथ उनको नहीं मानते थे, राज्यसभा की टिकट चाहिए थी, भाजपा ने टिकट दे दी, भाजपा सबको ले सकती है और भाजपा नैतिक काम करती है, भाजपा ने ले लिया। ये सारे सवाल हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलते हैं, लेकिन इससे इतर भी जाकर के चीज़ों को सोचना चाहिए। जब पॉलिटिक्स में ऐसी परिघटनाएं घटी जहां पर एक बड़ा नेता का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्योतिराव सिंधिया बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो जिस वंश से आते हैं और भारतीय समाज की जो संरचनाएं हैं उस संरचनाओं में वो वंशवाद बहुत ही करीने से फिट हो जाता है और किसी को भी आसानी से चुनाव, वो रजवाड़ा बहुत करीने से फिट हो जाता है और किसी को भी उससे केवल जुड़े होने भर से आसानी से चुनाव दिलवा देता है। यानी कि उनका एक बेस है, एक रजवाड़े की वजह से एक बेस है जो किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी उस पार्टी के लिए इतना चाहती है उसके लिए एक बहुत बड़े एसेट के रूप में काम कर सकते हैं। ये बात पार्टी भी जानती है, जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, कि ज्योतिराव सिंधिया जैसे लोग एसेट की तरह होते हैं, वो आसानी से सीटें निकाल देंगे। अब देखिए परेशानी कहां पर है। ये बात ज्योतिराव सिंधिया को भी पता है कि उनका रजवाड़ा, रजवाड़े की वजह से उनकी हैसियत इतनी बड़ी है कि वो आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी ये बात जरूरी होती है कि आप किस डिस्कोर्स के पिछलग्गू बन करके पिछलग्गू बने हुए हैं। तो आप इस बात को देखें कि कहीं भी दूर दूर तक ये संभावना नजर नहीं आती कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर उभर के आने वाली पार्टी है। तो स्थिति क्या होगी? स्थिति ये होगी कि जो उसका, जो किसी राज्य में कांग्रेस का बड़ा लीडर होगा, लेट दैट वो आगे बढ़ जाता है, उसके बाद के लीडर होंगे वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उन्हीं 4-5 लीडरों में जो बहुत आगे वाले हैं उनके अंदर थोड़ी सी खुन्नस हो जाए तब क्या होगा? तो एक अगले वाले पद पे तो वो नहीं पहुंचे जो पीछे रह जा रहे हैं, जैसे कि ज्योतिराव सिंधिया लड़ाई में वो पीछे रह गए। तो वहां पर ज्योतिराव सिंधिया को क्या लगता होगा? ज्योतिराव सिंधिया को आसानी से दिख रहा है कि मैं इस पार्टी में क्यों रहूं जिस पार्टी में आगे बढ़ने के चांसेस ही कम दिख रहे हैं। अगर वो पार्टी बदल के सीधे शिफ्ट हो जाए, भाजपा में चले जाए, तो निश्चित रूप से अगर वो भाजपा में रहते तो लोकसभा संसदीय चुनाव भी लेते, भाजपा उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना देती तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जीत जाते। अब ऐसा क्यों? ये सिंधिया की वजह से नहीं होता, लेकिन सिंधिया को इसका फायदा मिलता। आप पूछेंगे कैसे? इसलिए क्योंकि जो डिस्कोर्स, जो समाज का डिस्कोर्स खड़ा किया जा रहा है, उसमें जो जीतने का डिस्कोर्स है वो पूरे की पूरे तरीके से किसमें है? भाजपा के पक्ष में है। तो जो उस लाइन के इर्द गिर्द ही बोल रहा है उसकी जीतने की संभावना अधिक है। कांग्रेस भी इसीलिए अगर आप देखेंगे तो खुल करके उस तरीके से बात नहीं कर सकती है जिस तरह से एक्टिविस्ट करते हैं, वो लोग करते हैं जो दंगों में मारे जाते हैं, जिनके सर फूटते हैं, जो सीए का विरोध कर रहे हैं, जिनके खिलाफ FIR हो जाती है, जिनको सरकारें प्रताड़ित करती हैं। कांग्रेस वैसा नहीं बोल सकती है, आम आदमी पार्टी तो भूल ही नहीं सकती है जिसने 62 सीट लाए, सपा नहीं बोल सकती है, बसपा नहीं बोल सकती है, कोई नहीं बोल सकता है, तृणमूल कांग्रेस नहीं बोल सकती है। यानी कि उन लोगों को जिनके अंदर ये बात दिख रही कि वो जीतने की संभावना है, वो जो लोग हैं वो किसके पिछलग्गू हैं? वो भाजपा के बने बनाए डिस्कोर्स के पिछलग्गू हैं। यानी कि चीजें राजनीति में बदल नहीं रही हैं, जिस डिस्कोर्स को भाजपा ने क्रिएट किया है उसी डिस्कोर्स को अपनाने वाले लोग ही आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बात यही है, अब इस डिस्कोर्स में जैसे वो अंदर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको दिखता है कि भाई सबका सब उनके पास है, उनको राज्यसभा की टिकट मिल गई, उनको कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, आगे बिना कुछ किए वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, भले वो जनसेवा का कोई भी डिडोरा पीटते रहें या कोई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ कोई कुछ भी करे।
यानी कि बात सिंपल है। तो यहां पर क्या चीजें जीत क्या मतलब डिस्कर्स क्या निकल के आता है, इन सारी चीजों को हटा दें, यहां पर यह बात सिंपल बहुत ही आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर आप बने बनाए डिस्कोर्स के साथ चल रहे हैं, अगर आप बने बनाए डिस्कोर्स के साथ नहीं चल रहे हैं और आपके पास जीतने की संभावना है, तब आप पूरी तरह से संभावित गणितों को अगर आप देखें तो सारी चीजें निकल कर आ सकती है, जिसको आप अरविंद केजरीवाल की राजनीति से बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि जीतने की संभावना है, लेकिन अगर उस डिस्कोर्स के छेड़छाड़ कर देंगे, अगर वो कह देंगे शाहीन बाग पे चले जाएंगे, तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये सिंपल सी बात है, यानी कि पूरी तरह से आप ये कह सकें कि भाजपा इस समय भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स पर हावी है। जैसे इसको सिंपल समझिए, वो वंशवाद के धड़े हैं ज्योतिराव सिंधिया, लोग ये कहते थे कांग्रेस में थे कि भाई ये तो वंशवाद के प्रतीक हैं, लेकिन जैसे ही वो क्या हुए भाजपा में गए तो भाजपा ने क्या कहा कि फैमिली वैल्यू एंड हेरिटेज है, ये फैमिली वैल्यू और हेरिटेज के प्रतीक है, ये वंशवाद नहीं है। यानी कि चीजें अचानक से बदल गई और लोगों ने इस पर सवाल भी खड़ा नहीं किया, लोगों ने बस इस पर सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी की पार्टी वंशवादी पार्टी है और ये चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है और उससे सब चीज़ों को खारिज कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी से के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान में वंशवाद का सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो राहुल गांधी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम और चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। लेकिन नज़रअंदाज किया जाता है तब किया जाता है जब पॉलिटिक्स की बनी बनी संरचनाएँ बनी बनाई परसेप्शन नज़रअंदाज करने की दूर कर देती है। भाजपा ने कहा कि वो फैमिली वैल्यू एंड वेरिटेज के प्रतीक हैं, तो फैमिली वैल्यू एंड वेरिटेज के प्रतीक हो गए। तो आप इस बात को समझिए कि अब परेशानी क्या है। अब परेशानी ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में रहते तो जो लड़ाइयां जमीन पे लड़ी जा रही हैं, जिनके बारे में बार बार बात करके लोग अपना सर फुटव्वल कर लेते हैं, जो कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, लोग गरीबी में जी रहे हैं, सीए का विरोध कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, क्या वो उसको संभालते हैं, क्या वो उसको संभालने वाले व्यक्ति थे? तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये लड़ाइयाँ बहुत दूर हैं, ये लड़ाइयाँ बहुत दूर रह जाए। जो पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की संरचना बन रही है वो बिल्कुल ही अलग तरह की संरचना है। उसमें जीत की संभावनाओं के लिए जो तर्क गढ़े जा रहे हैं वो उन लड़ाइयों से बिल्कुल अलग हैं, और वो लड़ाइयों से बिल्कुल अलग इस मायने में भी हैं कि वो संविधान से बिल्कुल अलग हैं। जीत की जो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, अब विमर्श क्या गढ़ा गया है भाई, अब विमर्श गढ़ने का तरीका क्या है कि भाजपा के पास सबसे पैसा है, एक लीडर है जिस पर लोगों का भरोसा है, पैसे की वजह से सत्ता की वजह से सारी की सारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब भाजपा के पास। ये सारी की सारी चीज़ें किसके पास है? भाजपा के पास। संस्थाएं उसके पास, जो वो कहती है। भाजपा तो लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वही बात जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहे तब, यानी कि चीज़ें क्या गढ़ी गई हैं, चीज़ें जो गढ़ी जा रही हैं आ गया है। और इस विमर्श में आपको लगता है कि इस विमर्श में जिनके पास जीतने की संभावना है वो भाजपा के विमर्श को छोड़कर कोई दूसरा विमर्श अपनाएंगे? तो बहुत मुश्किल लगता है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी मतलब इस पॉलिटिकल परिघटना से ये जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि एक बड़ा नेता जिसका एक बड़ा बेस था वो छोड़ कर के भाजपा में जा रहा और पहले से भी लोग जाते जा रहे हैं, वो तो यही बताता है कि जिनके संविधान, भारत बचाने की आत्मा जैसी चीज़ों से बहुत दूर हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई की वजह से, ये इसलिए है, ये इसलिए भी है, ये इस चीज़ की भी इशारा कर रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो एक सिस्टम है उसकी बदरंगियत को दिखाता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होता है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत सबसे जरूरी चीज़ होती है कि जीतने की संभावना। और जीतने की संभावना बनती कैसे है? उसके बहुत ही छोटे मोटे बड़े माना के जो सब लोग जानते हैं, एक तो आपके पास चेहरा हो जो सब लोग जानते हो, चेहरा बन और उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मिल गया, चेहरा मिल गया तो काम चल जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं,
आपको जन कल्याण आए तब ठीक है, नहीं आए तब ठीक है, आप शून्य हो कुछ नहीं, तो चेहरा मिलने के लिए क्या हो सकता है? आप बहुत बड़े राजघराने के व्यक्ति हों, या बहुत दबंग आदमी हों, बहुत गलत किया, या बहुत प्रतिष्ठा पर पहले से ही बैठे हों, ये सब होने के बावजूद आपको पैसा चाहिए कि आप उसमें पैसा फूंकें और लगा दें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब ये मिलकर के जीतने की तो वो जीतने की संभावना वाला व्यक्ति कभी भी ये रिस्क तो नहीं लेगा कि वो केवल इस वजह से हार जाए कि दरअसल 370 भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, अयोध्या का जो फैसला आया है वो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं, वो तो ये कभी कहेगा नहीं। और इसका जो असर पड़ता है वो बहुत बुरा पड़ता है। सीए जैसी चीज़ें लागू होती हैं, दिल्ली में दंगे लागू, दिल्ली में दंगे होते हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं। बाकी आप समझिए, तो सिंपल सी बात आप यही समझ सकते हैं, मैं तो यही समझूंगा कि अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो ज्योतिराव सिंधिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बदरंग चेहरा। शुक्रिया।